नमस्कार, मैं बलजी डाका पिनाकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड चैप्टर प्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम, दे कैन रेफर आवर अनदर प्रेजेंटेशन विच इज इन इंग्लिश मीडियम, बट दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम। जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो हमने एनालिसिस किया था, वो आप जरूर प्रेजेंटेशन देखिए, जिसमें रोल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, और उसी कड़ी में हम जो चैप्टर करेंगे आज, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से जानकारी लेते हैं। एक फर्म होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है कि फर्म से रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाएंगे। और वो फर्म से रिलेटेड क्या हो सकती है, वो कॉस्टिंग का मामला हो, से वो डिमांड का मामला हो, से वो प्राइसिंग का मामला हो, चाहे वो प्रोडक्शन का मामला हो, चाहे वो परचेज का मामला हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग का हो, ये सारे मामले हैं वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब आता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उसका विभिन्न फैक्टर्स पे की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्या मैन पावर ज़्यादा हो कम हो, मैन पावर स्किल है टेक्निकल टेक्नोलॉजी से, या फिर रॉ मटेरियल से, या फिर पूंजी से कैपिटल से, सभी का इम्पैक्ट है प्रोडक्शन पे पड़ सकता है। तो जानकारी लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब, जहाँ जहाँ फंक्शन आता है, इसका मतलब कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी। फंक्शन का मतलब ये है, इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इनपुट्स। इनपुट क्या होगी, जो चीज हम लगाएंगे कोई चीज प्रोड्यूस होने के लिए, उसको इनपुट बोला जाता है। एंड आउटपुट, जो चीज प्रोड्यूस होगी, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। द प्रोडक्शन फंक्शन मे टेक द फॉर्म ऑफ शेड्यूल। हम प्रोडक्शन फंक्शन को शेड्यूल में रख सकते हैं, टेबलर फॉर्म में ला सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, कर्व भी हो सकती है ग्राफ, मैथमेटिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखिए, ये देखिए क्वान्टिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितनी है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और कौन कौन से फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो देखिए, ये फंक्शन है किसका, टेक्नोलॉजी, ये लेबर से रिलेटेड। फिर के से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे कैपिटल को, एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है मटेरियल को, टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को, और छोटे वाले टी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है टाइम से, और एल जो ऑलरेडी, हालांकि आप बोल सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, एल एंड बी इकट्ठा दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग चले। तो आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन का रिलेशन इन चीजों के साथ में होगा। इस इक्वेशन का मतलब है, अगर हम रेवेन्यू का ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं प्रोडक्शन में, जैसे कि कैपिटल ज्यादा है तो लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी, लेबर अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी, इस तरह से आगे आने वाली जो प्रेजेंटेशन में होगा वो इस पर भी चर्चा होगी। अब आता है कि प्रोडक्शन है वो शॉर्ट टर्म में अगर देखे जाए, शॉर्ट टर्म पीरियड में वो किन किन चीजों पे प्रभावित करेगा। इट रेफर टू ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच द सप्लाई ऑफ सर्टेन इनपुट्स लाइक प्लांट एंड बिल्डिंग इज फिक्स्ड और इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक किसको बोलते हैं, जो कोई चीज फिक्स हो, कांस्टेंट हो। और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए किसी प्लांट में, तो क्या हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, वो सारी चीजें फिक्स होती है। दस प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट लाइक मैन पावर एंड रॉ मटेरियल। अगर हमें शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म में कोई प्लांट नया लगेगा या कोई मशीनरी नहीं आएगी या कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। हम शॉर्ट टर्म में मैन पावर बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग है वो इंक्रीज, शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो प्रोडक्शन फंक्शन हुआ वो क्या होगा कि सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इन इलास्टिक और फिक्स्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल वेरिएबल इनपुट प्रोडक्शन। हम लोग इसमें यहाँ पे अगर बोल सकते हैं कि लेबर होगी, फिर वो ले सकते हैं कि लेबर फंक्शन होगा अगर के फिक्स रखा रहे, तो के हमने फिक्स रखा है। लॉन्ग रन में अगर बात करें, लीनियर फंक्शन क्या हुआ कि एक चीज पे प्रभावित कर रहा है, एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, वो प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है। लेबर बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है।
हम इसको डिटेल में जानकर लेंगे कि किस हद तक प्रोडक्शन बढ़ सकती है, क्या लेबर बढ़ाने से हमेशा प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन अभी अभी स्टार्टिंग में हम लोग इसकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं। लॉन्ग रन फंक्टिबिलिटी क्या होगा, ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच द सप्लाई ऑफ ऑल इनपुट इज इलास्टिक बट कैन नॉट चेंज द टेक्नोलॉजी, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। अगर हम कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म की बात करें शॉर्ट टर्म से, तो हम बाकी अगर टेक्नोलॉजी है वो तो चेंज हो सकती है बहुत ज्यादा लंबे समय वेरी लॉन्ग पीरियड में, लेकिन अभी हमने फिक्स रखी है रीजनेबल लॉन्ग पीरियड के लिए, लेकिन सभी बाकी चीजें वो इलास्टिक मतलब चेंज है, इलास्टिक का मतलब चेंज हो जाना और इन इलास्टिक का मतलब कॉन्स्टेंट रहना। तो ऑल इनपुट आर वेरिएबल इन इस केस में, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन पर डिपेंड बोथ के एंड एल कैन बी इंक्रीज। अगर हम दोनों की बात करें, क्वांटिटी का जो इम्पैक्ट होगा अगर दो फैक्टर लिया जाए तो लेबर और कैपिटल है वो कैन बी इंक्रीज, क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। वेरी लॉन्ग रन पीरियड की बात करें, रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज और कैन बी इंप्रूव अलॉन्ग विद अदर इनपुट्स। आप बोल सकते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड में सब कुछ चेंज हो सकता है इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। अब आता है कोर डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, किसे बोलते हैं। अब देखो सारे जो फंक्शन थे, टेक्नोलॉजी भी थी, बाकी जो पांच छह फंक्शन थे, लेकिन जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जिसमें कोर डगलस का रोल है बहुत ज्यादा आता है प्रोडक्शन, जब बात करते हैं कोर डगलस का रोल जरूर आएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। तो पॉल एस डगलस और जो सी डब्ल्यू कोब थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये फंक्शन, इट इज लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन और द फर्स्ट डिग्री विच टेक इन टू अकाउंट ओनली टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल फॉर द इंटायर आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इफ कैपिटल एंड लेबर आर इंक्रीज बाय एन टाइम्स आउटपुट क्यू विल बिकम एन क्यू दैट इज इंक्रीज एन टाइम्स। मतलब उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला कि ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे जो कि डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन, और तो वो कौन दो महत्वपूर्ण कि इंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेबर और कैपिटल को उन्होंने दो चीज मानी कि दो ये दो फैक्टर हैं, और अगर के और एल बढ़ाया जाता है एन टाइम्स तो वो क्वांटिटी पर भी एन टाइम्स प्रभाव डालेगा। ये है कोब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, द फोकस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अदर। जो फैक्टर्स होंगे विभिन्न, जैसे हमने पांच छह फैक्टर देखे जो प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहे थे, तो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हो। दिस इज रिवील्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न ऑफ टू स्केल वेयर ऑल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज साइमल्टेनियसली टू अटेन हायर स्केल ऑफ टोटल आउटपुट। अगर एक चीज बढ़ानी है तो दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, अगर लेबर बढ़ा दी तो रॉ मटेरियल नहीं बढ़ाया प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो इनपुट है वो बाकी इनपुट भी बढ़ेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर वी कैन सब्स्टिट्यूट वन यूनिट ऑफ कैपिटल बाय फ्यू यूनिट ऑफ लेबर। ऑल इनपुट्स आर स्पेसिफिक टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नन ऑफ द फैक्टर कैन बी इग्नोर्ड। तो आमतौर पे ये चीजों चीज हैं आप वो इस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन। लॉ ऑफ रिटर्न टू ए वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट की बात करें, वेरिएबल इनपुट की बात करें तो लॉ ऑफ रिटर्न क्या बोलता है कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट आर यूज्ड विद ए गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स इनपुट कैपिटल द टोटल आउटपुट मे इनिशियली इंक्रीज at an increasing rate, then at constant rate, but finally it increases at a diminishing rate. Thus, the marginal increase in total output decreases when the more and more unit of variable factor are used, given the state of technology and fixed factors. यहाँ पे एक बात आई law of Rittenhouse और scale को कि जो variable input है वो लिया जाना है, और यहाँ पे लिया variable input एक ले लिया जैसे कि labor, और बाकी है वो फिक्स कर दिया, कैपिटल है वो फिक्स कर दी। तो यहां पे बात है कि अगर आपने लेबर बढ़ाया तो स्टार्टिंग में तो ये बढ़ेगा तेज गति से, उसके बाद कांस्टेंट होगा। मतलब कि अगर ज्यादा आदमी लगाए तो इसका लेबर कंप्लीट होगी, अच्छी तरह से लेबर 100% यूटिलाइजेशन होगा, तब तक तो बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद
अगर आप और का मतलब मार्जिनल इंक्रीज करते हैं, जहां पे मार्जिनल वर्ड आ जाता है इसका मतलब इंक्रीज कर देना होता है। तो मार्जिनल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ना और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, एक ऐसी लिमिट है जहां पे कि वो वर्कर्स होंगे वो फिर बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही डाउन आ जानी है, तो वो आफ्टर दैट ये इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होगा और धीरे धीरे डिक्रीज होना जाएगा। इस तरह की जो कर्व बनेगा जिसमें कि आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, एक हद तक इंक्रीज होगा लेबर बढ़ाने से, अगर बाकी सारे इनपुट है वो फिक्स कर दिया जाए, इसका लो मेटेरियल वगैरह भी फिक्स कर दिया है, तो ये एक लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल इनपुट है वो बता रहा है। और इसको अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो हम बात कर रहे थे, डिमिनिशिंग मतलब कम होते हुए रिटर्न कम होते जाएंगे, जैसे बढ़ेंगे रिटर्न कम होते जाएंगे। लेबर इज द ओनली वेरिएबल इनपुट इसमें ये रखा गया, इसको प्रूव करने के लिए आप बोल सकते हैं अजम्पशन क्या होनी चाहिए इसमें कि एक तो ये लेबर को इनपुट रखिए और अदर फैक्टर रिमेन सेम, जैसे बात की लेबर इज होमोजेनियस, मतलब कि जो नए आ रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं वो ये अज्यूम किया जाता है कि वो सारे एक जैसे काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, ये भी अज्यूम किया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी है वो फिक्स होगी। इनपुट प्राइसेस आर गिवन, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर सेमुलसन, इंक्रीज इन सम इनपुट विल इन गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज आउटपुट टू इंक्रीज एंड आफ्टर अ पॉइंट एक्स्ट्रा इनपुट विल बिकम लेस एंड लेस इफेक्टिव। तो सेमुलसन ने क्या बोला इस लॉ को बताने के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी उसके बाद डिक्रीज होगी, ये बात उसने बोली एक्स्ट्रा इनपुट्स का आखिरी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में फायदा नहीं होगा, लेस और लेस इफेक्टिव होते जाएंगे। दीज एक्स्ट्रा इनपुट आर सरप्लस लेबर व्हिच मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली डिक्लाइंस, कि आखिर में जब लेबर की बात आ रही है तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी और घटनी स्टार्ट हो जाएगी। ये थे अजम्पशन की रिटर्न ऑफ स्केल, अगर बात करें तो उसमें ये भी फैक्टर कंसिडर होनी चाहिए। अब आता है टोटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंक्रीज इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट, हम इसमें ही बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, टिल द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब कि बाकी चीजें प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम कोई इनपुट बढ़ा रहे हैं तो मार्जिनल जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा या इंक्रीज होना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, इसकी फर्स्ट स्टेज आ रही है। वंस द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइंस, मतलब कि और ज्यादा चीजें इफेक्टिव नहीं आ रही है, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया है, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट कम हो जाएगा, उसके बढ़ने की दर कम हो जाएगी। दिस इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसमें सेकंड स्टेज बोलेंगे डिमिनिशिंग मतलब कम हो जाना, देन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनना जब जीरो हो जाए तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। आफ्टरवर्ड जो मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, कि अगर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंडीशन के रूप में आप बोल सकते हैं। एमपी वो एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब एमपी और एपी दोनों बराबर होंगे, वेन एमपी जीरो है मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है तो टीपी है पर इसका मतलब वो मैक्सिमम सीमा पहुंच चुकी है टोटल प्रोडक्ट की, और जैसे एमपी है वो एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है, इसका मतलब एमपी काफी गति से कम हो रहा है, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होगा, क्योंकि मार्जिनल कम हो रहा है तो वो टोटल का इंपैक्ट आएगा और डिक्लाइन हो जाएगा एवरेज भी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, इज द लेवल एट विच एमपी इज मैक्सिमम, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी कर्व इंक्रीज शार्पली। तो जो स्टेज आएगी जिसमें कि मार्जिन प्रोडक्ट पहुंच गया है मैक्सिमम तक, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हद वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसमें टोटल प्रोडक्शन भी एक किस्म से काफी ज्यादा गति से बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। फिर आता है आइसोक्यूएंट कर्व, आइसो का मतलब होता है बराबर, इट कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, कैपिटल एंड लेबर,
बिल्डिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जहां जहां आईएसओ आया इसका मतलब आउटपुट वो सेम की बात कर रहा है। डिमांड वाले में आया आईएसओ तो वहां पे आईएसओ प्रिंट कर डिमांड से रिलेटेड तो वहां पे भी सेम आउटपुट की बात थी, दो वेरिएबल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वेरिएबल कॉम्बिनेशन की बात आ रही थी। ठीक है, कैपिटल और लेबर है इसमें दो इनपुट, इट इज ऑल्सो राइट इक्वल प्रोडक्ट करो या प्रोडक्शन इन डिफरेंस करो भी बोलते हैं इसको, इंडिफरेंस करो भी बोला जाता है सेकंड को। देन बोथ द इनपुट कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एजम्पशन ऑफ लॉ आइसोसक्यूट करो क्या होगा कि देर आर ओनली टू इनपुट लेबर एंड इनपुट, यहां पे जो बात आती है इस तरह से आइसोसक्यूट की कि दो इनपुट होंगे लेबर एंड कैपिटल, बोथ इनपुट आर परफेक्टली डिविजिबल, बोथ आर इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इज कॉन्स्टेंट। आप बोल सकते हैं परफेक्टली एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन वो इंपैक्ट डाल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा इसको आइसोक्यूट को समझने के लिए, एग्जाम्पल से देखिए, आइसोक्यूट रिप्रेजेंट वेरियस इनपुट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अगर प्रोड्यूस करने है, देखिए तीनों में 50 कंडीशन में तीन कंडीशन है ए बी सी, और वहां पे आउटपुट है वो 50 यूनिट लगाई हुई है। पॉइंट ए, कैपिटल अगर 60 है तो लेबर है 10, कैपिटल अगर 20 डिक्रीज हुआ 20 यूनिट तो लेबर इंक्रीज हुआ 5 यूनिट, कैपिटल अगर 20 डिक्रीज हुआ है फर्दर फिर 5 यूनिट डिक्रीज हुआ। आप बोलते हैं परफेक्टली सब छूट दिए, इम्परफेक्ट है और सेम प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट है, 20 यूनिट ऑफ कैपिटल आर बीइंग सब्स्टिट्यूट बाय 5 यूनिट ऑफ लेबर, वेल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जैसे कि हमने इसमें देखा और ये इस पर करवा। फिर अगर पहले 60 है फिर 10 है, 40 है 15 है, 40 है ये 15 है, 10 है ये 20 है, ये 20 है, जब ये करो ऐसे फिर बनेगा, ऐसे करो बन रहा है, नेगेटिव कन्वेक्स है ये, नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, और आई क्यू वन है तो दूसरी जो कर्व बन रही है हमेशा वो इसके पैरेलल में होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, पैरेलल में हो रही है, क्वांटिटी 100 है, जिसमें अगर बाकी दूसरी चीजें बढ़ा दी जाए इस रेशियो में ही तो वो 100 हो जाती है। ये आईएसओ पॉइंट कर्व्स मतलब नंबर ऑफ मैप बन रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ आईएसओ क्यूट की देखिए कि क्या खास बात है, जो हमने आईएसओ क्यूट से पढ़ लिया कि कैसे वो इस तरह से ग्राफ बन रहा था, आइसोक्यूट हैव ए नेगेटिव स्लोप ये भी हमने देखा, दिस शोज डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स, कर्व मूव्स डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड राइट की तरफ जाएगा। आइसोक्यूट्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन शोज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ ए टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये नेगेटिव मतलब ये स्लोप है वो कन्वेक्स है, और कन्वेक्स क्या होता है ये इस तरह से ये कन्वेक्स है वो, आइसोक्यूट आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, शोइंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, डिमिनिशिंग मार्जिनल का मतलब कम होता जा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। फिर आइसोक्यूट आर नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काट नहीं रहे इंपैक्ट एंड नॉन टेंजेंशियल टू वन अदर, इट इफ हैपेंस आई क्यू वन आई क्यू टू इंटरसेक्ट पॉइंट सी, अगर ऐसा होता और एक दूसरे को काटते तो दिस शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ के एल एंड ए एट पॉइंट सी which yield two level of output 20 and 40 units which cannot be possible with the given technology, same technology से 40 unit और 20 unit और 40 unit दोनों साथ में हो जाना ये possible नहीं होगा, मतलब ये फिर graph possible नहीं होगा, 40 unit भी हो रही है 20 unit भी हो रही है, same technology है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो intersecting graph नहीं होगा। upper isocode represent higher level of output, अगर कोई चीज जैसे इसमें ऐसा था high level of output और नीचे वाली लेस लेवल ऑफ आउटपुट, यहां पे 40 है तो यहां पे 20 है, यहां पे 100 है जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा, यहां पे 50 है। फिर आता है इकोनॉमिक रीजन ऑन आइसोक्यूट मैप, ये आइसोक्यूट मैप बन गया जब आप एक से ज्यादा कर्व बना रहे हैं, इसमें से मैप हो गए, और इसको देख लीजिए पहले कैपिटल है लेबर है दो, हमने इनपुट लिया आउटपुट आई उससे, फिर तो देखिए ये अलग अलग पॉइंट पे ऐसे अपर रिज बना हुआ है और लोअर रिज बना हुआ है, अपर लोअर, इट इज द एरिया ऑफ प्रोडक्शन प्लान इन विच सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स इज टेक्निकली फिजिबल विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट।
दिस एरिया इज मार्क्ड बाय लोकेटिंग द पॉइंट ऑन ऑल द आइसोक्यूंट एट विच एमआरटीएस इज जीरो। एमआरटीएस क्या था, जैसे पिछली स्लाइड में आया था, ये एमआरटीएस है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की टेक्नोलॉजी सेलेक्टेड है सब्स्टिट्यूशन है वो जीरो है इस केस में। और दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अपर रिज लाइन लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द आइसोक्यूंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज जीरो एंड लोअर इज लाइन ऑल पॉइंट ऑन द आइसोक्यूंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो। एक में कैपिटल जीरो है और एक में ये इसमें लोअर लोअर इज है और इसमें जो लेबर है वो जीरो है। लेबर जीरो का मतलब ये देखो इस साइड से गया हुआ ऐसे यहां पे, तो कैपिटल बढ़ती जा रही है इसमें इस फॉर्मेट में। तो इसमें क्या होगा, अपर जो रो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है उसमें जीरो है, कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रही। मतलब एनी प्रोडक्शन टेक्निक कैपिटल लेबर कॉम्बिनेशन रिक्वायर्स मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इन दिस रीजन। एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रीजन बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपके पास कैपिटल और लेबर सिलेक्टेड है सेम आउटपुट देने के लिए, वो मिनिमम कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन से सेम वो आ जाएगी आउटपुट आपकी। कैपिटल लेबर कॉम्बिनेशन रिक्वायर मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इन दिस रीजन कि आप जब प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लाएंगे तो इसमें आप हेर फेर कर सकते हैं, कैपिटल और लेबर में चेंज कर सकते हैं, ये आसान है चेंज करना। उसके बाद आता है लीनियर आइसोक्यूट, टाइप्स ऑफ आइसोक्यूट कितने होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये होता है लीनियर आइसोक्यूट। इट इंप्लाइज परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इन प्रोडक्शन। कैपिटल और लेबर को परफेक्ट रूप से एक सिचुएशन अगर ऐसी हो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। आइसोक्यूंट ए बी रिप्रेजेंट दैट गिवन आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ओनली कैपिटल एट पॉइंट ए और ओनली लेबर और बाय यूजिंग बोथ। बाय यूजिंग यहां पे ओनली कैपिटल और यहां पे ओनली यहां पे लेबर और ये बीच में दोनों पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट एमआरटीएस बिटवीन केयर एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। फिर आता है लियोनटिफ आइसोक्यूट, क्या होता है जिसको कि एल सेफ आइसोक्यूट बोलते हैं। एल सेफ आइसोक्यूट भी बोलेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन थी, इसमें आइसोक्यूट है इस फॉर्मेट में। कैपिटल और लेबर से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन अ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ए फिक्स्ड प्रोडक्शन ऑफ बोथ के एल एंड द आइसोक्यूट टेक्स एल सेफ। क्वेश्चन है कि व्हेन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ बोथ के एंड एल आइसोक्यूट टेक्स एल सेफ, दोनों के अगर फिक्स हो। यहां पे देखिए L1 और यहां पे K1 और उस केस में इस पे गया है जिसमें L1 फिक्स है और यहां पे ये देखिए Q1 है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। दिस अज्यूम ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन K एंड L। Only one combination of K and N can produce one level of output. There is zero substitutability between K and L. It is also implied that quantity of one input is changed, the quantity of other input is held constant. There will be no change in the output. जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। Change in output can be possible only by change in quantity of both the input. It is also called input-output isoquant. तो इनपुट आउटपुट आइसोक्यूंट क्या हुआ फिर कि इसमें अगर आप दोनों क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा
चेंज इन आउटपुट कैन बी पॉसिबल ओनली बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी। एलसेट के लिए अब इसको ग्राफ को दोबारा ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको बेटर समझने करने के लिए। इट अज्यूम ओनली वन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस क्यू वन आउटपुट के वन, क्यू वन आउटपुट के वन एल वन इज रिक्वायर्ड एंड इवन इफ के वन इज इंक्रीज टू के टू न्यू कॉम्बिनेशन के टू एल वन और के टू के वन और एल टू उसको बोल गिवन सेम क्वांटिटी ऑफ के वन टू प्रोड्यूस के टू आउटपुट न्यू कॉम्बिनेशन रिक्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि अगर के टू और एल टू का कॉम्बिनेशन नया है तो नई आउटपुट है और ये वाला है तो उसमें नया हो, एक चीज से चेंज होने से एक इनपुट चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा। दो लाइन अगर आप कर रहे हैं तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। फिर आता है चेंज आइसोक्यूंट या लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्यूंट क्या होता है। चेंज आइसोक्यूंट और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्यूंट, इट अज्यूम दैट देर आर ओनली अ फ्यू प्रोसेस और टेक्निक और कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। दिस अज्यूम लिमिटेड एस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ के एंड एल, बट दिस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली एट द कीस ओ ए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी रिप्रेजेंट वेरियस टेक्निक और प्रोसेसेस। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ये लाइन है ये इंपॉर्टेंट होगी, ओनली फ्यू प्रोसेस और टेक्निक और कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर आप ये यूज कर रहे हैं ये यूज कर रहे हैं ये यूज कर रहे हैं या ये यूज कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन से तो वो आउटपुट सेम होगी, सेम आउटपुट होगी। By joining kinks, जो पॉइंट थे जो हम डिस्कस किए ए बी सी डी, वी गेट kinked आइसोक्यूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्यूट और एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्यूट भी बोलते हैं इसको। किंक आर द टेक्निकल फिजिबल पॉइंट, जो किंक पॉइंट थे वो उसको किंक बोल रहे हैं, पॉइंट एक्चुअल में किंक बोला जाता है किंक्स। बट ऑन नॉर्मल आइसोक्यूट कवर ऑल पॉइंट आर टेक्निकली फिजिबल फॉर प्रोडक्शन। फिर आता है स्मूथ और कन्वेक्स आइसोक्यूट क्या होता है, समूथ या कन्वेक्स आइसोक्यूंट है वो क्या होता है। दिस फॉर्म अज्यूम कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटी ऑफ के एंड लेबर एल ओनली ओवर ए सर्टेन रेंज बियॉन्ड विच फैक्टर्स कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ईच अदर, द आइसोक्यूंट अपीयर स्मूथ एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। स्मूथ और कन्वेक्स टू द ओरिजिन इस फॉर्मेट में ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आइसो कोस्ट लाइन प्राइस लाइन आउटले लाइन, इससे रिलेटेड हम जानकारी है कोस्टिंग से आगे इस पे जो इंपैक्ट डलेगा प्रोडक्शन पे वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।